नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR शिशु के यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। मगध यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जिनका नामांकन 2016 से 19 के सत्र में है, उन छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, कल मैंने एक वीडियो बनाकर के आपको प्रोवाइड कराया था। उसमें मैंने आपको जानकारी दिया था कि मगध यूनिवर्सिटी का जो पार्ट का परीक्षा 23 सितंबर से प्रारंभ हुआ था, जो कुछ परीक्षाएँ हो चुकी है और कुछ परीक्षाएँ शेष है, उसके आगे होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि पेपर में नहीं दिया गया है, तो आपको बता देना चाहते हैं ये डिसीजन कल दोपहर में लिया गया था। तो आज आपका मॉर्निंग में आप किसी भी अखबार को देख सकते हैं, उसमें आपका दिया गया है। आपको मैं इस आर्टिकल को दिखा रहा हूं, ये प्रभात खबर का आर्टिकल है, आप खुद भी देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आप इस पेपर का आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी काफी सारे छात्रों को माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारा परीक्षा क्या सच में नहीं होगा, क्या हमारा सभी परीक्षाएं नहीं होगा। कई सारे सवाल हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करेंगे। और क्लियरली यहां पे देख सकते हैं पेपर का आर्टिकल जो आपके लिए नोटिफिकेशन लाया है, और मगध यूनिवर्सिटी पार्ट का परीक्षा जो आगे जो भी परीक्षाएं होने वाला है 30 तारीख आज, उसके बाद अभी आगे जो भी परीक्षा होगा उस सभी परीक्षाएं स्थगित कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे लास्ट में कि आपका परीक्षा कब तक संभावित है। तो सबसे पहली बात, ये पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है MU ने भी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने बीएड का परीक्षा ज़्यादा जल जमाव होने के कारण स्थगित कर दिया था, और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और इस परीक्षा का जो डेट है वो उसको यहाँ पे अब 11 अक्टूबर बोला गया था। तो क्लियरली अगर देखा जाए, दुर्गा पूजा भी बीच में है और काफ़ी ज़्यादा जल जमाव है और स्थिति सामान्य नहीं होते दिख रही है, तो हो सकता है कि आपका परीक्षा दुर्गा पूजा बाद हो। अभी ये मैं आपको संभावित बता रहा हूँ, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया। तो क्लियरली यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि बीएड का जो परीक्षा था वो आपका 11 अक्टूबर से ले रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो अगर सामान्य हो जाएगा सब कुछ व्यवस्था, तो मे भी हो सकता है कि आपका जल्द से जल्द डेट शीट जारी करके आपका परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल जमाव है। देख सकते हैं, आपको ये तस्वीरें दिख रहा होगा पेपर के आर्टिकल में जो दिखाया गया, ऐसे कई तस्वीरें आपको भी अपने व्हाट्सएप पर दिखा होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा जल जमाव होने के कारण काफ़ी सारे लोगों को परेशानियाँ हो रही है। तो इसको लेकर के मगध यूनिवर्सिटी ने भी कदम उठाया छात्रित में कि हम लोग भी परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा जल जमा हुआ तो छात्र सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे, सेंटर पर भी पानी भरा हुआ है, तो फिर कैसे सब कुछ संभव हो पाएगा। तो इसीलिए मगध यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया था, उसको मैंने कल वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। तो आप लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि फेक भी होगा, तो लाजमी है आपके माइंड में सवाल आना, क्योंकि काफी सारे लोग आपको भ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए आप बताना चाहते हैं, हम सबसे पहली बात कि आप हमारे चैनल पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इस चीज को माइंड में बैठा लो कि जो भी न्यूज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसकी सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं पूरी बारीकी से, उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। रही एग्जाम कैंसिल जो पोस्टपोन हुआ उसका, तो हम लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था यूनिवर्सिटी को, काफ़ी सारे लोगों ने जब हमें वीडियो बनाकर भेजना प्रारंभ कर दिया कि सर हम यहाँ पे सेंटर पे जा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर यूनिवर्सिटी ने फिर ये डिसीजन लिया कि हम लोग भी परीक्षा को स्थगित कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर दिया था और काफ़ी सारे लोगों का परीक्षा 28 तारीख का भी छूटा हुआ है। तो उसके लिए भी प्रेशर यूनिवर्सिटी पर दिया जा रहा है कि जो छात्रों का परीक्षा छूट गया उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका परीक्षा पाठ्यक्रम का किसी कारण से छूट जाए तो उसको एक अलग मौका दिया जाता है परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो आप सभी परेशान ना हो, आपके लिए व्यवस्था किया जा रहा है, आपका भविष्य बर्बाद नहीं होगा, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। क्लियरली देख सकते हैं MU ने परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो आप जब भी इसका नया डेट शीट आएगा तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ASRResult.com पे देखिएगा जाकर के, वहां पे मिलेगा, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पे चैनल के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा एक न्यूज़ का चैनल है जहां पे देख सकते हैं हम उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिसका आवाज़ कोई भी नहीं उठाता है, जिसका आवाज़ दबा दिया जाता है। तो आप सभी से एक सपोर्ट के रूप में सहयोग मांग रहे हैं, सहयोग ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज हमारा है ASR न्यूज़ इंडिया के नाम से, उसको भी आप लाइक कर लीजिए। ASR न्यूज़ इंडिया जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद आप फेसबुक पेज भी आप ASR न्यूज़ इंडिया सर्च करके आप लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ASR न्यूज इंडिया को फॉलो भी कर लीजिएगा। और हमारा ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किसी भी तरह का कोई भी आपको परेशानी हो न्यूज के रिगार्डिंग तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लियरली हम लोग उन लोगों की आवाज उठाते हैं जिसका आवाज दबाया जाता है, जिसका आवाज कोई नहीं उठाता है। हम उन गरीबों की आवाज उठाते हैं जिसका रियल में आप सभी तक न्यूज जाना चाहिए। तो देख सकते हैं क्लियरली आपको मैंने दिखाया यहाँ पे इस तरह का न्यूज हम लोग वर्क करते हैं, तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज्यादा हो सके न्यूज के रिगार्डिंग, और
ASRSSC गुरु चैनल पे आपको स्टडी के रिगार्डिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से हेल्प मांगा था डोनेशन के रूप में, काफ़ी सारे लोगों ने दिया है, तो बहुत जल्द आपको हम लोग लगातार PDF के रूप में और क्लासेस के रूप में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फिलहाल अगर आप इस तरह का जान चाहते हैं कि हम लोग और इसी तरह का गरीबों की आवाज़ उठाएँ, वैसे ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ उठाएँ जिसका रियल में नीड हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ASR न्यूज़ इंडिया से आप जुड़िए और YouTube चैनल Facebook पेज को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर चलाते हैं तो फिर हमें फॉलो कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूज़ अगर आपके पास आता है तो फिर आप हमें व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं। याद रखिएगा, जो वैसे ही न्यूज़ हमें भेजना है आपको जो गरीबों से जुड़ा हो, जो समस्याएं उनके लिए हो और जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो लोगों तक पहुँचाने का, वही न्यूज़ आप हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग कोई पत्रकार नहीं है, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर एक अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं ताकि गरीबों की जो आवाज़ों को दबाया जाता है उसको उठाया जा सके। तो ये है छात्र हित में भी चैनल काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, तो इसको सपोर्ट कीजिए ASR न्यूज़ इंडिया यूट्यूब पे सर्च करके, फेसबुक पे इसको लाइक करके और ट्विटर पे इसको फॉलो करके। और ये है हमारा व्हाट्सअप का नंबर, और अगर आपके आसपास का कोई ग्रुप चलता है तो फिर आप इस नंबर को ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग भी आपके ग्रुप में ऐड रहेंगे तो हम लोग जो भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे फिर आप भी उसको दूसरों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी, ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये रियली में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहेंगे कि ASRSSC गुरु यूट्यूब चैनल आपको कभी फेक न्यूज़ प्रोवाइड नहीं कराता है, तो जो भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराता है आप उस पर भरोसा कीजिए। कल मैंने आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया था, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पेपर का आर्टिकल आज आपको प्रूव कर दिया कि आपका जो मैंने न्यूज़ कल प्रोवाइड कराया था, जो हम लोगों ने मेहनत किया था परीक्षा पोस्टपोन को लेकर के, वो 100% सही था। तो अगर आपको ये रियली में वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।